मामले इसका असर लगा तो ना कि जो हमारे जो डॉक्टर साहब से गुजार किया थे वो भी अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाहर से आने वाले ऑफिसर साहिबान राज भी अजीम लोगों अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि पहली बात है कि अब मैं मुसलमानी रही नहीं, पहली बात यह है कि अब मैं मुसलमानी रही नहीं, मैं कुदरते चला गया जनाब, पिछले दिन मैं मेरी साली मरगी में चला गया इस्लामाबाद, वहां मैं कब्रिस्तान पर गया था, उस कब्रिस्तान पर लिखा हुआ कि वो जो मारे परवेज शरीफ ने वो जो कत्ल कराए थे वो उनकी इस तरह लैंडमार्क लगी हुई है वो कब्रिस्तान, तो मुझे आंसू आ गए। उसके मुकाबले में मैंने ये सोचा कि अयूब खान जनरल अयूब उस दिन मेरा वहां था जनाब पिंडी 26 मार्च को, उसको पकड़ा हुआ इस तरह अपना पोतरा तो वो टहर रहा था लॉन में, तो इधर से जुलूस आ गया, उसने आया अयूब कुत्ता आया अयूब कुत्ता, वो तो वहां से अंदर गया, अंदर गया उसने कहा मैं इस्तीफा देता हूँ। तो मैंने कहा ये देखो ये माजर इसने ये नादान बच्चे किस मुल्क के पढ़ने, और वो उन वहां उन कब्रों पर लिखा हुआ ना मालूम, कहीं जो है उनका लिखा हुआ ना मालूम का किसके है क्या है क्या नहीं। तो वो मैं बात ये दूसरी कर रहा था कर रहा हूँ, सैद मोहम्मद खान साहब थे हमारे वो रिश्तेदार भी थे डायरेक्टर रहे, ये वो उन्होंने भी बहुत कोशिश की यहाँ लाना के भी बेहतरी हो जाए, तो आप लोग भी यहाँ तशरीफ लाए इसहाक साहब ने के जरिए से ही आप आए ज्यादा, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं। तो असली बात यह है कि आजाद कश्मीर में जो हुकूमत का ढांचा है ये ढांचा है, हुकूमत है ही नहीं हुकूमत। अगर आप उस दिन लाला को तकरीर सुन लेते उस तार अनवर की, वो तार अनवर ने तकरीर की थी, ये थे आप में से थे ना आप इधर, मैं ये बात कहता हूँ कि मैं उसका जो वालद था ना जी वो बहुत मेरे, मैं उसके बहुत करीब था, सरदार अनवर के मैं बहुत करीब था, उस मुझे उस बात से दुख हुआ जब उसने कहा मैं वहां प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसने कहा मैं नोक पर जूते की नोक पर प्रेसिडेंट को आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट को मारता हूँ, यही कहा था, मैं झूठ कहता हूँ। तो वो सबूत का क्या हाल हो, वो हमें क्या देगी, तो आपको क्या देगी, वो तो सिर्फ ये चंद दिनों के लिए आते हैं और आपने लोग वहां भर्ती किए एडजस्ट किए तो चले गए, दूसरे आए उन्होंने आपने एडजस्ट किए, ये मरने के बगैर छोड़ते भी नहीं है, मरने के बगैर वो छोड़ते भी नहीं है। जो उसके अलावा सिर्फ सिराज इब्राहिम ने गाजी मिल्लत ने मुल्क आजाद कराया था, तो उस मुल्क बस वो एक बात सामने है, बाकी तो किसी ने क्या किया इस मुल्क के लिए, आपने खुद रोड की हालत देखी 26 साल हो गए यहां से टप्पे वाली ये रोड है ना, इसमें खोता नहीं गुजर सकता, वो प्रेसिडेंट कितनी मुर्तबा ये प्रेसिडेंट भी गुजरा सही, इन्हें पता ही नहीं है हम किस लिए। सरदार इब्राहिम एक दफा वो उसने कहा यहां गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हुई, वो शाहबर जाज था जनाब, उसने टेलीफोन किया डीसी को, डीसी काजी खली था, कोई नहीं आपस में गड़बड़ हो गई टेलीफोन पर, मुंशी मुख्तार खान आया तो वो पूछा करते थे मुंशी मुख्तार खान से, हाँ मुंशी मुख्तार खान क्या हाल है, उन्हें आज कोई बड़ी गल नहीं लेकिन ऐ गल थोड़ी यही हुई, हाँ मामूली बात है भाई भी लड़ते रहते हैं, उस मैं उसको चला गया सलाम पूछो उसका पूछो उन्होंने गया कच्ची तो हुआ थोड़ा वो नहीं बोले चले, त्रिया तरह उन्होंने लिखा कि श्याबुल जज को तब्दील करके कस्टोडियो मुजफ्फरबाद तैनात किया जाता है, मैं चलो डीसी बच गया, त्रिया तरह उन्होंने लिखा डीसी को तब्दील करके मीरपुर तैनात किया गया है, सुबह 9 बजे मुझे रिपोर्ट करेगा, यहां 3 माह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में लोगों की तारीखें खत्म सब कुछ खत्म, तो किसी ने किसी को न तब्दील कर सके और ना उनसे बात कर सके, तुम चाहते क्या हो, वो कौन सी हुकूमत है, जो फैसला मैं जैसे मुन जैसा एक गरीब थरदार कर सकता है वो फैसला अगर हमारा प्रजी वजीर आजम नहीं करता क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ये है कि आप लोग अपना मुल्क समझ कर इसमें दिलचस्पी करें, मुल्क अपना मुल्क ज़ाती समझ कर इस पर कोई दिलचस्पी करें तो काम हो सकता है, वरना गवर्नमेंट के मामला में कोई काम तो हम साल कह ही नहीं सकते कि वो करेगी, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इंसान, वो अपने
رپیل سے اپنے رشتے داروں سے ان کو ان سے دلچسپی ہے, ہم سے دلچسپی ہے ہی نہیں. باقی علاقے سے انہیں کوئی چیز وہاں سے بور لیتے ہیں, بات ٹھیک ہے جی, ہم کام بھی کرتے ہیں. تو ہم جناب میں نے فالتو بات کی ہے, اس لیے جناب جس قدر کا تعاون ہمارا آپ کو چاہیے ہم پورے طور پر آپ کے تعاون کریں گے. اسحاق صاحب میں یہ اپنے فاضل صاحب اور بھی جو ہمارے جو معزین ہیں وہ سب لوگ تعاون کریں گے آپ سے جو آپ حکم کریں گے. تو بس میں اس پر